उधर इंदौर जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में आई जांच रिपोर्ट में मरीजों की संख्या 200 के पार जा चुकी है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। 287 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब जिले में मरीजों की कुल संख्या 15,452 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 10,719 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तभी कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 432 पर पहुंच गई है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। देखिए, कल जो मंगलवार को जो हमने बुलेटिन जारी की थी उसके अनुसार 2,550 सैंपल हमने टेस्ट किए थे, जिनमें से 2,247 सैंपल नेगेटिव आए, वहीं 287 सैंपल ऐसे थे जो पॉजिटिव आए। इस तरह से पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ करके 15,452 हो गई है। यहीं हमारे जो मरीज डिस्चार्ज होकर के घर गए हैं उनकी प्रतिशत 69.3% मरीज ऐसे हैं जो सकुशल अपने घरों में इलाज के उपरांत जा चुके हैं, इनकी संख्या 10,719 है। अभी वर्तमान में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो कुल 4,301 मरीज हैं जो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग एक तिहाई से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो होम आइसोलेशन के माध्यम से अपने घरों में कोरोना से इलाज कर